Hey guys, welcome back to another video. If you are new to the channel, my name is Ramiz Alam, I'm a second year medical student here in Ukraine. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्विक अपडेट देना चाहता हूँ यूक्रेन में अभी कैसे कितने केसेस है। यूक्रेन में अभी 226 केसेस है कोरोना वायरस की और जिसमें से 5 डेथ है और जो क्वारंटाइन पीरियड है वो भी एक्सटेंड हो चुका है। 24 अप्रैल तक क्वारंटाइन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है ताकि केसेस राइज ना हो। सो ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो सरफेस पे कितने देर तक इन्फेक्शियस हो सकता है या कितने देर तक सर्वाइव करता है वो सरफेस पे। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस हो गए, या तो प्लास्टिक हो या स्टेनलेस स्टील हो या कार्डबोर्ड हो, तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। और एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस कि आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हो टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। सो या ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो आप स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वॉच टिल द एंड। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो जो कोरोना वायरस है वो कितने वक्त तक जो है इन्फेक्शियस हो सकता है कोई भी सरफेस पे। तो जो कि कॉपर है उस पर 4 आवर्स 4 घंटे तक वो इन्फेक्शियस रह सकता है। तो आपके घर के आसपास में कोई भी कॉपर का सामान हो और वो कंटेमिनेटेड हो और आपको पता नहीं आपने टच किया तो उससे भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में 24 आवर्स का इन्फेक्शियस टाइम है जो कोरोना वायरस उस पर इन्फेक्शियस हो सकता है। और जो कार्डबोर्ड है वो भी इन्फेक्शियस मतलब वो भी ट्रांसमिट कर सकती है कोरोना वायरस अगर वो इन्फेक्टेड हो तो। बाकी जो प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील से आपके उस पर 2 से 3 दिन तक वो सर्वाइव करती है और एयर में 3 घंटे से 4 घंटे तक वो सर्वाइव कर पाती है। जो ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो, अगर आपको आपने कोई भी कंटामिनेटेड सरफेस जो है कि टच किया हो तो उससे भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो। तो अगर आपको कभी लगे कि ये सरफेस आप बाहर गए और आपने कुछ टच किया हो सरफेस जो कि कंटामिनेटेड था, तो आप घर पे आके आप हैंड वॉश करें या सैनिटाइज करें। हैंड वॉश मिनिमम 20 सेकेंड तक आपको करना है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि WHO ने प्रोवाइड की है और मोस्ट ऑफ यू अभी तक पता हो गई ये सब। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो या तो कौन सी फूड खानी चाहिए जिससे आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हो जाए। पहला है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है जो कि आपकी बॉडी में WBC की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करती है। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन से फाइट करती है। विटामिन सी आपको मिलेगा कहाँ से? तो विटामिन सी आपको सिट्रस फूड से मिलेगा, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। विटामिन सी सिट्रस फूड से तो मिलेगी, पर आप मार्केट में विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती है जो कि बहुत ही सस्ती होती है, तो आप वो भी ले सकते हो। सेकेंड है जिंजर। जिंजर आपको पता ही होगा कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी है जो कि इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करती है, और शॉर्ट थ्रॉट हो या फ्लू हो या जॉइंट पेन हो उसमें भी जिंजर बहुत ही अच्छा काम करती है। वो ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ही अच्छा होता है। और एवरी मॉर्निंग अगर आप गर्म पानी में लेमन और जिंजर मिक्स करके पियो तो वो बहुत ही अच्छा इम्यून बूस्टर माना जाता है। एवरी मॉर्निंग आप पियो, उससे आपकी जो इम्यून सिस्टम जो है बहुत अच्छा फंक्शन करेगा। थर्ड जो है कि प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी कि दही या योगर्ट या जो भी आप बोल लो, वो जो है वो भी बहुत ही अच्छी इम्यून बूस्टर मानी जाती है। और लास्टली रेड बेल पेपर। रेड बेल पेपर जो है उसमें विटामिन सी जो है वो सिट्रस फूड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। बहुत कम लोगों को पता है रेड बेल पेपर के बारे में, पर वो बहुत ही अच्छी इम्यून बूस्टर फूड मान जो फूड्स है वो बहुत ही अच्छी है। और ऑल्सो आपको सेलेनियम, जिंक और सेलेनियम भी बहुत अच्छी इम्यून बूस्टर है। वो आपको मिलेगी कहाँ से? तो आपको आलमंड से मिलेगी, आप पिस्ताचो से मिलेगी। ये जो है कि ग्रीन टी भी बहुत ही अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट है। सो दीज आर द फूड दैट कैन इंक्रीज योर इम्यून बूस्टर। और भी बहुत सारे फूड्स है तो मैंने इस वीडियो में सारे फूड्स को कवर नहीं किया। I'll make a separate video if you want guys, but yeah, that's it. I hope you guys like this video. अगर आपको लगा हो ये वीडियो
नॉलेजेबल था तो आप शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्टे एट होम लेट्स फाइट कोरोना वायरस टुगेदर. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जल्दी जल्दी.